बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? वेलकम टू किचन फ्लेवर्स विद सबा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ मायोनीज। आप एग के साथ भी मायोनीज बना सकते हैं और एग के बगैर भी। आज मैं आपको एग के साथ बनाना सिखाऊंगी। मायोनीज बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है उनमें मेरे पास है ऑलिव ऑयल 1 कप, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून शुगर है, 1/2 टीस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 एग। हमने ना थोड़ा सा मायोनीज बनाना है, इसलिए 1 कप मैंने ऑयल लिया और 1 ही एग लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें 2 कप, उसके मुताबिक आपने 2 कप ऑयल ले लेना और 2 एग ले लें, 3 एग ले लें, ऐसे कर लें। आपको इंशाल्लाह मैं जल्द ही बगैर एग के भी मायोनीज बनाना सिखाऊंगी। आपने जब मायोनीज बनाना है तो मेक श्योर जो आपने सारी चीज़ें लेनी है वो बिल्कुल ड्राई हो, ज़रा भी गीली ना हो। जिस बर्तन में आपने चीज़ें ली हैं या जिसमें आप निकालेंगे, ब्लेंडर में, हर चीज़ साफ़ हो, उसे अच्छी तरह से आपने किचन टॉवल से साफ़ कर लेना। तो चलें फ्रेंड्स, फिर वीडियो शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी सी वीडियो फ़ौरन मिल सके। सबसे पहले हमने एक एग लेके उसे ब्लेंडर में डाल लेना। हमने हाई स्पीड पे ब्लेंडर चलाना, तकरीबन 30 सेकेंड तक हमने ये एग को बीट करना है। उसके बाद साल्ट ऐड करेंगे, फिर हमने कॉर्नफ्लोर और शुगर ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, उसके बाद फिर ब्लेंडर हमने चलाना है। तकरीबन 30 सेकेंड तक मजीद हम इसे चलाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास ऑयल बचा है, हमने ऊपर से ब्लेंडर का ढक्कन खोलना और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, ज्यादा एक साथ ऑयल नहीं डालना। अगर हम एक साथ ऑयल डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल जरा जरा कतरा कतरा डालना और ब्लेंडर चलता रहे, हाई स्पीड पे ब्लेंडर चलाना। मैंने ऑयल थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, आप फ्रिज में रख लें, ठंडा हो ज्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑयल में पानी आ जाए। आपने इसे अच्छी तरह से ढक के फिर फ्रिज में रखना है। ऐसे आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंडर चलता रहे, एक एक ड्रॉप आपने ऑयल का डालते जाना। आप जब ये मायोनीज यूज करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, मार्केट का और इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत टेस्टी बनेगा और घर में साफ सुथरा भी बना है और हेल्दी चीजों से हमने बनाया है। मैं घर में बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है। पराठा रोल में आप सैंडविच वगैरह बनाएं उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिंगर बर्गर के लिए चटनीज बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, और वैसे भी जो फ्राइड चिकन बनाते हैं उसके साथ केचप और मेयोनीज मिक्स करके एक मज़ेदार सी चटनी बनती है, उसमें आप यूज़ करें। और हमेशा घर पे बनाएं, कोशिश करें कि घर पे बनाएं। ये देखें कितना प्यारा, कितना रिच सा मायोनीज रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक सेपरेट बर्तन में निकालते हैं और इतना रिच और इतना प्यारा लग रहा है, और खाने में ये इससे भी ज्यादा टेस्टी है। अगर आपने घर बना के यूज करेंगे तो आप मार्केट का मायोनीज भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखें कितना थिक और कितना रिच बना है, इतना क्रीमी सा, इतना थिक। ये देखें, आप इसे अब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दें तो तब ज़्यादा अच्छा सेट हो जाएगा। वैसे तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सेट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आपको मैं मज़ीद मुख्तलिफ तरीक़ों से मायोनीज बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा।
फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।